तो हम सब जानते हैं कि आम का सीज़न चल रहा है और हमारे घर में रोज़ आम से बनी हुई कोई ना कोई रेसिपी तो ज़रूर बनती होगी, पर हम छिलकों का क्या करते हैं? मोस्ट ऑफ अस थ्रो देम, राइट? ओके, तो अगर आप भी उन मोस्ट ऑफ अस में से हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप आम के छिलकों को फेंकना भूल जाएंगे। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मान्या एंड मॉमी। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आम के छिलकों से बनी हुई सब्ज़ी की रेसिपी, जो कि बहुत क्विक है, बहुत ईजी है और बहुत टेस्टी भी लगती है। आप इसे रोज़ बनाकर फ्रेश सर्व कर सकते हैं या फिर इसे बनाकर दो तीन दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। So let's start with the video. But before that, I know this YouTube journey is never gonna be so easy for me. But you people can make a difference. You can make it easy for me by liking and sharing my videos and subscribing to my channel and hitting the notification bell icon. Now let's jump on to the recipe. तो यहाँ मैंने ले लिए हैं 4 से 5 आम के छिलके। मैंने कुछ आम कल काटे थे और मैंने फ्रिज में स्टोर करके रख दिए थे। आप भी चाहें तो इसे इन छिलकों को फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं या फिर फ्रीज़र में भी रख सकते हैं अगर आप 4-5 दिन बाद इसकी सब्ज़ी बनाना चाहें तो। दूसरी बात ये है कि जब आप सब्ज़ी बनाना चाहते हैं तो इन आम के छिलकों को थोड़ा सा मोटा छीलें, ताकि जो आम का फ्लेवर है वो सब्ज़ी में बहुत अच्छे से आएगा। हालांकि हम सब आम को बहुत अच्छी तरह धो लेते हैं, फिर भी मैं इन छिलकों को 1 से 2 बार वॉश कर लूँगी। तो मैंने इन आम के छिलकों को अच्छी तरह से धो लिया है। अब हम इन्हें प्रेशर कुक करेंगे अप टू 3-4 विसल्स। तो अब हम इन्हें कुकर में चढ़ा देते हैं। तो ये मैंने कुकर ले लिया और इसमें करीब मैं 2 ग्लास पानी डाल दूंगी। इससे मैं इनिशियली हाई फ्लेम पे रखूंगी ताकि अच्छे से गर्म हो जाए। देखिए ये ऑलमोस्ट पानी में डूब जाने चाहिए सारे जो आम के छिलके हैं। तो ये सारे के सारे ऑलमोस्ट डूब चुके हैं पानी में। हमें इसे अब कुकर में चढ़ा देना है एंड पहली सीटी जो मैं लूँगी, फर्स्ट विसल विल बी ऑन हाई फ्लेम, उसको हाई फ्लेम पे ले लूँगी। उसके बाद मैं इसे लो फ्लेम पे करके 3 विसल्स और लूँगी और उसके बाद मैं इसे करीब 2 से 3 मिनट के लिए प्रेशर कुक करूँगी लो फ्लेम पर ही। उसके बाद हम इसे ठंडा होने देंगे और फिर हम आम के छिलकों को वापस निकालेंगे। तो अभी हमारी फर्स्ट विसल आ चुकी है और मैं इसको लो फ्लेम पे करके करीब 2 विसल्स और ले लूँगी। उसके बाद मैं इसे 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पे ही रख के थोड़ा सा प्रेशर कुक कर लूँगी ताकि ये अच्छी तरह से कुक हो जाए। अब प्रेशर रिलीज़ हो चुका है कुकर का, मैंने ये छिलके बाहर निकाल दिए हैं। आप इनको दबा के देख सकते हैं, बहुत अच्छे से कुक हो चुके हैं। देखिए टूट रहे हैं छिलके, अगर आप देखें तो ये बहुत अच्छे से कुक हो चुके हैं। अब मैं इन्हें ठंडा होने दूंगी और उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे। तो नाउ ये अब कम्प्लीटली कूल हो चुका है और अब मैं इसका ये जो पानी है वो सारा ड्रेन कर दूँगी। ओके, मैंने इसका सारा पानी निकाल दिया है और अब हमें इसे फिर से 2 से 3 बार फ्रेश पानी से धोना है। बट इस बार धोने के टाइम हमें इसे अच्छे से मसल कर धोना है ताकि इसका जितना भी कसैला टेस्ट जो आता है तो वो पूरी तरह वो टेस्ट निकल जाए और बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाए। देखिए मैं अब इसे अच्छे से मसल कर धो लूँगी। ये आपको हाथ से ही करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो हम इसे अच्छे से मसल कर धो लेंगे। हम इसे 2 से 3 बार धोएंगे। मैंने इन्हें अच्छे से धो लिया है और अब मैं अच्छे से इनको दबाकर सारा पानी निकाल लूँगी ताकि कोई भी इसमें एक्स्ट्रा वाटर नहीं रह जाए। और मैं इसको एक अलग बोल में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। तो इस तरह से हमने सारा पानी निकाल लिया है। यहाँ पे मैं आपको बहुत ही यूज़फुल टिप देना चाहूँगी। मैंने जो सारा पानी इन आम के छिलके हैं इनको पहले धोया था और अभी भी धोया है, ये एक कंटेनर में स्टोर कर लिया है। अब इस पानी को मैं अपने प्लांट्स को वाटर करने में यूज़ करूँगी। तो मैं हमेशा ऐसा ही करती हूँ, जब भी मैं दाल बॉयल करती हूँ या कोई सब्ज़ी बॉयल करती हूँ या धोती हूँ तो मैं उसका पानी स्टोर कर लेती हूँ और उसको मैं अपने प्लांट्स को वाटर करने में यूज़ करती हूँ। बिलीव मी, आपके प्लांट्स की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी क्योंकि इस पानी में भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो इसको वेस्ट ना जाने दें, इस पानी को यूज़ करें। यू विल श्योरली सी द डिफरेंस इन देयर ग्रोथ। ओके, सो इट वॉज़ द टिप।
आपको फॉलो करना है तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमको इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। तो अब मैंने इनको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। कई लोग ऐसा भी करते हैं कि इनको कट करके इसी में डायरेक्टली सारा मसाला मिला देते हैं और फिर चौंक लगा देते हैं, तो हम ऐसा नहीं करेंगे। हम चलते हैं अपने कढ़ाई की तरफ जहाँ हमें इसे चौंक लगाना है। तो यहाँ पर मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है। इसमें मैं ऐड करूँगी अराउंड 3 tablespoons ऑफ ऑयल। हाँ, हमें तेल थोड़ा सा ज़्यादा रखना है क्योंकि अगर हम इस सब्ज़ी को स्टोर करके रखना भी चाहें तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो, तो हम इसमें थोड़ा सा ज़्यादा, मैं एक्चुअली 1/2 tablespoon और मिला देती हूँ इसमें, ठीक है। तो मैंने यहाँ 3.5 tablespoon ऑफ ऑयल लिया है। तो अब हमारा ऑयल पूरी तरह से गर्म हो चुका है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी अराउंड 1/2 teaspoon राई, 1/2 teaspoon जीरा, 1/2 teaspoon सौंफ, अराउंड 1/3 teaspoon ऑफ काला जीरा जो बोलते हैं हम, ओके, एंड 1/4 teaspoon ऑफ हींग, इतनी हींग डाल देंगे हम। अच्छी तरह से मिक्स करके अब हम इसमें आम के छिलके डालेंगे। मैंने गैस की फ्लेम लो कर दी है, तो अच्छे से आपको स्टर कर लेना है। बहुत ही अच्छे से हिला लीजिए इसको। अब मैं इसमें ऐड करूँगी अराउंड 2 teaspoon ऑफ लाल मिर्च, क्योंकि ये सब्ज़ी थोड़ी सी तीखी ही अच्छी लगती है। अगर आप इसको फिर भी आप अपने हिसाब से जो भी मिर्ची का प्रोपोर्शन है वो एडजस्ट कर सकते हैं। 1/2 teaspoon ऑफ सॉल्ट, अराउंड 1 teaspoon धनिया पाउडर और 1/3 teaspoon हल्दी, इसको मैं अच्छे से मिला लूँगी। उसके बाद जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप है, इसमें मैं डालती हूँ घर का बना हुआ अचार। तो अगर आपके घर पे कैरी का अचार बना हुआ है, कोई भी तीखा अचार, अगर आप बाज़ार का भी है तो भी तीखा अचार होना चाहिए, मीठा अचार नहीं होना चाहिए। तो कोई भी तीखा अचार, मैं इसमें 2 चम्मच अचार घर का बना हुआ, देख सकते हैं, वो भी डाल दूँगी। मैंने 2 चम्मच घर का बना हुआ अचार डाल दिया है। अच्छे से इसको मिला दूँगी और आपको अब ज़्यादा नहीं पकाना, करीब 2 से 3 मिनट पकाना है कि आपको तेल छूटता हुआ नज़र आ जाए। इसमें हमारे करीब 2 मिनट हो चुके हैं और आप जैसा कि आप देख सकते हैं ये तेल छूटना भी स्टार्ट हो गया है। इसका मतलब जो हमारी सब्ज़ी है वो रेडी है। इस सब्ज़ी को आप 2 से 3, 4, 5 दिन तक भी अपने फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगी। और चाहें तो आप इसे रोज़ भी बना सकते हैं क्योंकि जो इसका मेथड है वो बहुत सिंपल है। चलिए अब इसको हम लोग सर्व करते हैं। तो तैयार है हमारी गर्मा गर्म तीखी चटपटी आम के छिलकों की सब्ज़ी। ये गर्म भी अच्छी लगती है, रोटी के साथ भी अच्छी लगेगी, पराठों के साथ भी अच्छी लगेगी, और अगर आप इसे ठंडी करके खाएंगे तो भी अच्छी लगेगी। बस एक बात का ध्यान रखना है, अगर आपको इसको स्टोर करके रखना है 2-3 दिन के लिए तो ऐसे कंटेनर में रखिएगा जिसमें कोई मॉइस्चर ना हो, ताकि ये सब्ज़ी जल्दी से ख़राब ना हो। इसे बनाइए और इन्जॉय कीजिए। एंड आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो और ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकन। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।